झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एक धनबाद लोकसभा सीट है। साल 2000 तक धनबाद भी बिहार का ही एक हिस्सा हुआ करता था। आपको बता दें कि धनबाद कोयले की खानों के लिए मशहूर है, इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को कोयलांचल भी कहा जाता है। बराकर नदी के तट पर बसा ये क्षेत्र प्राकृतिक रूप से भी बेहद खूबसूरत है। इस नदी पर बना मैथन बांध पर्यटकों की पसंदीदा जगह तो है ही, यहाँ माँ कल्याणेश्वरी का मंदिर भी है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। साथ ही तोपचांची झील भी पर्यटकों को उतना ही आकर्षित करती है। तो वहीं दामोदर नदी में स्थित पंचेत बांध लोगों के लिए पर्यटन का मुख्य केंद्र बना हुआ है। अब बात करते हैं धनबाद लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की। तो इस सीट पर 1951 और 1957 में हुए चुनाव में कांग्रेस के पीसी बोस जीतने में कामयाब रहे, जबकि 1962 में भी कांग्रेस के ही टिकट पर पीआर चक्रवर्ती चुनाव जीते। 1967 में निर्दलीय प्रत्याशी रानी ललिता राज्य लक्ष्मी चुनाव जीती। 1971 में फिर इस सीट पर कांग्रेस ने वापसी की और राम नारायण शर्मा चुनाव जीते। 1977 में इस सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी ने पहली बार कब्जा जमाया और एके रॉय चुनाव जीतने में सफल रहे। 1980 में भी इस सीट पर एके रॉय ही चुनाव जीते। 1984 में ये सीट फिर से कांग्रेस के खाते में गई और शंकर दयाल सिंह जीते। तो 1989 में फिर से कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर एके रॉय ही चुनाव जीते। 1991 में पहली बार इस सीट पर बीजेपी का खाता खुला और रीता वर्मा सांसद बनी। इसके बाद 1991, 1996, 1998 और 1999 लगातार सांसद रही। 2004 में कांग्रेस के चंद्रशेखर दुबे सांसद चुने गए, जबकि 2009 और 2014 में सीट पर बीजेपी का कमल खिला और पशुपतिनाथ सिंह चुनाव जीते। 2019 में भी बीजेपी के टिकट पर पशुपतिनाथ सिंह ने ही जीत हासिल की, जबकि उनके खिलाफ कांग्रेस ने कीर्ति झा आजाद को मैदान में उतारा था। गौरतलब है कि धनबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से धनबाद जिले की सिंदरी, निरसा, धनबाद, छरिया और बोकारो जिले की बोकारो और चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट पशुपतिनाथ सिंह ने जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट पशुपतिनाथ सिंह ने जीत हासिल की। पशुपतिनाथ सिंह को 8,27,234 वोट हासिल हुए। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट कीर्ति आजाद ने 3,41,040 वोट लाकर दूसरा स्थान हासिल किया। तो निर्दलीय कैंडिडेट राजेश कुमार 11,110 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। अब एक नज़र पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पशुपतिनाथ सिंह को 5,43,491 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के अजय कुमार दुबे 2,50,537 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वहीं एमसीओ के आनंद महतो 1,10,185 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के पशुपतिनाथ सिंह ने 2,60,521 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था। तो वहीं कांग्रेस के चंद्रशेखर दुबे 2,02,474 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि बीएसपी के समरेश सिंह को 1,32,445 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो कांग्रेस के चंद्रशेखर दुबे ने 3,55,499 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की रीता वर्मा 2,36,121 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रही थीं, जबकि एमसीओ के एके रॉय 1,47,470 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। 2009, 2014 और 2019 में धनबाद सीट से बीजेपी की टिकट पर पशुपतिनाथ सिंह ने जीत हासिल की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी के सामने अपनी बढ़त कायम रखना बड़ी चुनौती साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।